सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जल्दबाजी करेंगे तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। आज का पंचांग 27 दिसंबर 2023 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 11:29 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:27 से 1:46 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। तुला राशि 27 दिसंबर 2023 दिन बुधवार, आज आपको एक छोटी यात्रा की आवश्यकता हो सकती है। छोटा भाई आपकी परेशानियों का कारण बनेगा। अगर आप अपनी चिंताओं के बारे में लोगों को बताते हैं या शेयर करते हैं तो आप शांत महसूस करेंगे। साहसी बने और अपने उन विचारों को साझा करें जिन्हें आप गुप्त रखते थे। अपने दिल में छुपी इच्छाओं को अभिव्यक्ति दें। एक रास्ता और बोरियत से छुटकारा पाकर आपकी कल्पना बढ़ेगी। एक अचानक और अनियोजित यात्रा की संभावना है। यह यात्रा आपके लिए नए विचार और अनुभव लाएगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। एडजस्ट करने के मूड में रहेंगे। आपके लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तय योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए। आज के दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। आप में से कुछ गहरे या घरेलू सामान खरीद सकते हैं। आपके प्रेम की राह एक खूबसूरत मोड़ ले सकती है। आज आपको पता लगेगा कि फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कैसा महसूस होता है। नई परियोजनाओं और खर्चों को टाल दें। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है और आपका मूड खराब हो सकता है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण को देखें तो चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा तथा आपसे संबंधों में आए मतभेदों को भी सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा। विद्यार्थियों का इंटरव्यू अथवा करियर संबंधित परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान रहेगा। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी नाराजगी दूर होने लगेगी और आप जीवन में सुधार करने के लिए प्रयत्न करने लगेंगे। सोच में बदलाव आएगा। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करनी होगी। तय किए गए वक्त के अनुसार काम पूरा करें। युवाओं को जानकारी प्राप्त करके ही आगे बढ़ना होगा। रिस्क तकनीकी का कारण ना बने, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर और आपके बीच चल रही लड़ाई का असर जीवन पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। पेट दर्द भी हो सकता है, सावधानियां। इस समय गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाय ना कहना भी सीखें। आलस और लापरवाही से दूर रहें। युवा व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ डेट पर जाने और अपने लव का इजहार करने के लिए आज से अच्छा दिन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। फोटोग्राफी के इन लम्हों को पूरी उम्र के लिए संजो लें। इस मजेदार दिन में छोटी यात्रा की भी संभावना है।
आज आप अपने पार्टनर से अपने दिल की इच्छाओं को व्यक्त करें, जिससे आप दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगी। आपके साथी की तरफ से भी मंजूरी मिलेगी और आज आपका बोरिंग जीवन एक्साइटमेंट की खुशबू से भर जाएगा। बस कुछ सावधानी बरतना ना भूलें, जो किसी के साथ संबंध में है उनके निजी जीवन में एक नया दौर आने वाला है। आप या तो शादी कर सकते हैं या लीव इन में रहने की योजना बना सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आपको काफी निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि घर को रीमॉडल करने की जरूरत होगी। जो अकेले उन्हें कोई अंतरंग और मजेदार आदमी आज मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है। अगर आपने किसी भी गैजेट या कुछ रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है तो उस पर जल्द से जल्द कानूनी एकाधिकार करवा ले। वस्तु उन्हीं की है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई भी प्रकृति के निर्माण में आपके करीब आ सकती हैं। आज कोई भी मुश्किल आपकी उन्नति के मार्ग में नहीं आ सकती। छोटे भाई बहनों के साथ छोटी यात्रा करने या समय बिताने से आपको कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलेगी। धन के घाटे या व्यवसायिक परेशानी से बचने के लिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और व्यक्त करते समय सावधान रहें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें आपके प्रियजनों से शेयर करें। आप इस बोरिंग जीवन से आजादी चाहते हैं और इसके लिए आपको एक सक्रिय मन की जरूरत है। आज का समय लाभ को गिनने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयुक्त है। बिजनेस में नए ग्रह स्थितियां आपके लिए विशेष रूप से बेहतरीन समय तैयार कर रही है। उचित अवसर भी मिलेंगे। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल भी हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। आप अपनी दिनचर्या और आदतों के लिए सतर्क रहें। संतान की पढ़ाई और करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। बुरे लोगों की संगति से दूर रहें। किसी बड़े अधिकारी से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात मददगार साबित होगी। बात करते हैं सेहत की। आज आपको वायरल ठंड या मौसमी बुखार से परेशान होना पड़ सकता है। आपको इससे बचने के लिए समय से सावधानी रखते हुए दवा भी लेनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर आपने अब एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई हुई है और आपको बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके दिमाग में बस स्वस्थ रहने की इच्छा छाई हुई है। आज आराम करने से आपको अपना स्वास्थ्य काफी बेहतर अनुभव होगा। आज का उपाय। आज आप पूजा पाठ के पश्चात बुध मंत्रों का जाप अवश्य करें। बुध मंत्र के जाप से करियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।